दोस्तों किंग खान बेटी सुहाना के साथ नजर आए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले कार से आर्यन खान नीचे उतरे और उसके बाद पूरा परिवार एक एक करके जैसे ही नीचे उतरा तो सारे कैमरे सुहाना की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए उमड़ पड़े। शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने मुंबई के पोलिंग बूथ पहुंचे थे। इस दौरान गौरी खान, आर्यन खान और उनका छोटा लाडला बेटा अबराम भी दिखा। लेकिन इस स्टार परिवार के बीच शाहरुख खान की लाडली बिटिया ऐसा नीला सूट पहनकर पहुंचीं कि सारी लाइमलाइट पल भर में चुरा ले गईं, क्योंकि अगली फिल्म द किंग में सुहाना अपने पिता शाहरुख के साथ काम करने जा रही हैं, जिसमें शाहरुख खान फिर से एक्शन अवतार में नजर आएंगे। अब डंकी के बाद शाहरुख एक्शन फिल्मों में ही काम करने वाले हैं। फिलहाल यह खबर हर तरफ चल रही है कि शाहरुख खान और रॉकी भाई एक साथ किसी फिल्म में नजर आ सकते हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान कहते हैं कि वो इस बार बहुत बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो सबके होश उड़ा देगी, और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन एसआरके किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अगर YRF अपनी धूम फिल्म को बताएंगे तो उसके अंदर शाहरुख को लेंगे, और वही साउथ के कुछ बड़े डायरेक्टर भी शाहरुख खान के साथ काम करने वाले हैं।